नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? यूपीपीएससी के द्वारा अपर निजी सचिव की वैकेंसी आप सभी को मालूम है कि आ रही है, और सबसे पहले भी सूचना देने वाली टीम आपको परीक्षा प्लस थी, और सबसे अच्छी तैयारी कराने वाली भी टीम परीक्षा प्लस है, ये आपको पता है। अगर आप चैनल पर नए हो, एपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इस सेशन में हम सबको समझने वाले हैं कि आखिर इसका आवेदन कब से चालू होगा, टोटल कितने फॉर्म आने वाले हैं, कितने फॉर्म पढ़ सकते हैं, क्या कंपटीशन लेवल रहेगा। एक बच्चों में उहापोह की स्थिति है कि हो सकता है कि पैटर्न बदल जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो तमाम चीज़ों पे इस सेशन में आपको जानकारी मिलने वाली है, और एक जो सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है बहुत कम समय में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने देखा होगा तो ये थंबनेल में आपको मैक्सिमम चीज़ें पता चल गया होगा कि हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि आपका आवेदन कब से हो सकता है। तो देखो, जैसा कि यूपीपीएससी आयोग ने खुद ही बता दिया है कि इसके सितंबर के दूसरे सप्ताह में इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि अगर कुछ भी चेंज होता है, इससे पहले तो कोई चांस नहीं है, बट कोई चेंज होता है तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो सप्ताह ही बदलेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक यह फॉर्म आपका आ जाएगा, और आयोग इस समय पिछले एक दो साल से बहुत डिसिप्लिन्ड है। अगर उसने कुछ बोल दिया है तो वो कर ही देता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ये बात मैं जरूर जोड़ देता हूं कि सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि आजकल किसी भी चीज पे लोग याचिका दायर कर देते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पे रेड डाल देते हैं, तो वो एक अलग चीज है। बट अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक फॉर्म आ जाएगा। दूसरी बात, कुल कितने फॉर्म पड़ेंगे? तो बच्चों, अभी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो स्टेनो, जिनको स्टेनो आती है, वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये उन्हीं के लिए वैकेंसी है। अब क्योंकि वैकेंसी इतनी जल्दी आ रही है, तो आपका स्टेनो भी मुश्किल से 3 से 4 महीने में एग्जाम हो जाएगा, सितंबर में आएगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपका मैक्सिमम पेपर हो जाएगा। उसके 2 महीने तक बाद आपको स्किल टेस्ट भी करवा लिया जाएगा, तो अब से लेकर 6 महीने 7 महीने का आपका स्किल टेस्ट का होगा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं सीखे हैं स्टेनो, उनको मैं इतना बोलूंगा कि हाँ भाई, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 7-8 महीने में स्टेनो सीखने वाली बात नहीं होती है, लोग 1 साल 1.5 साल 2 साल भी कई बार लगा देते हैं, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। बाकी जिनको स्टेनो आती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कितने फॉर्म पड़ेंगे ये मैं बताने के लिए आपको इतना बस बता रहा हूं कि अभी इससे पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा एक एग्जाम हुआ था जिसमें स्टेनो ही मांगा गया था, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें ओनली स्टेनो मांगा जाता है, और अगर उन फॉर्म का एवरेज देखा जाए तो यूपीएसआई एएसआई हुआ था, उसमें लगभग 65 से 70 हज़ार टोटल फॉर्म पड़े थे, जिसमें कुछ स्टेनो के भी पद थे और कुछ बिना स्टेनो वाले भी पद थे। आप इससे समझ सकते हो कि पहली बात तो आयोग यूपीपीएससी है, दूसरी बात स्टेनो इसमें मांगा है, तो मैक्सिमम अगर इसमें फॉर्म पड़ जाएंगे तो 50 से 60 हज़ार के बीच में पड़ेंगे, लेकिन ये भी अतिशयोक्ति, इससे कम ही फॉर्म रहेंगे, इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। और इसका कारण केवल क्या है? कारण है स्टेनो, क्योंकि ये उन्हीं भरते हैं जिनको क्या होती है, जिनको आती है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, जो मेरा अनुमान है, 30 हज़ार से लेकर 60 हज़ार, मैं रेंज ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि पहले से इन चीज़ों में इतना बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन मिनिमम 30 हज़ार और मैक्सिमम 60 हज़ार के बीच में ही, इसके बीच का ही आंकड़ा टोटल फॉर्म का रहेगा। कितने चरण में परीक्षा होनी है? तो इसके चरण तो बहुत सारे हैं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में आपका अभी जो पाठ्यक्रम है जीएस और हिंदी है, पेपर 1 और 2 है, उसके बाद आपका स्टेनो होगा, कंप्यूटर टाइपिंग होगा, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर पे एक स्किल टेस्ट भी कराया जाएगा, बीच में आपका कोई जो बच्चे इंग्लिश का भी देना चाहते हैं ताकि उनको अलाउंसेस ज़्यादा मिले, वो भी एक चरण रहेगा। तो कुल मिला के 4 से 5 चरण में डीवीओ भी सब लेके ये परीक्षा संपन्न होती है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि परीक्षा पैटर्न चेंज हो सकता है, तो परीक्षा पैटर्न चेंज होने पे मैं आपको बस इतना कहूंगा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पैटर्न चेंज होने जा रहा है, और इनकेस चेंज भी हुआ तो एक बात आप समझते हुए चलना, क्योंकि ये यूपीपीएससी है, और यूपीपीएससी और ये जो प्रोफाइल है आपकी, ये अभी गेस्टेड ऑफिसर की ग्रेड बी की जॉब है, आप ऐसे समझो, ठीक है, ग्रेड बी की जॉब है, है ना, और गेजेटेड जॉब है, तो यहां पर आप समझते हुए चलना, गेस्टेड ऑफिसर की जॉब है 4800 ग्रेड पे, कितने 4800 ग्रेड पे की जॉब है, तो
तो इसमें जो आयोग ऐसे पेपर करवाता है वो मिनिमम आरओ लेवल का पेपर तो देगा ही देगा, इस बात को समझिएगा। और आयोग कोई भी पेपर करवाता है, अगर हम केवल ऐसे पेपर को हटा दें जिसमें वो पारंपरिक तरीके से पेपर सामान्य अध्ययन का करवाता है, जैसे यूपीपीसीएस वगैरह का करवा दें, है ना, उसकी बात ना करें, तो आरओ देख लो आप, जीआईसी का पैटर्न, पिछली बात देखो, अभी स्टाफ नर्स का नया पैटर्न निकाला है, उसमें अगर जीएस का सिलेबस देखोगे तो लगभग सभी में जीएस का सिलेबस सेम है। अभी भी जो आपके यूपीपीएससी एपीएस का जो सिलेबस है उसमें जीएस अलग है, जैसे उसमें एब्रीविएशन भी है, उसमें जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर्स है, मतलब स्टैटिक पार्ट ज्यादा है। बट आप ये मत भूलो कि पॉलिटी भी उसमें है, आप ये भी मत भूलो कि इसमें हिस्ट्री भी है, आप ये भी मत भूलो कि उसमें क्या है, ज्योग्राफी भी है। हाँ, ये बात अलग है कि केवल इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें यूपी भी है, और यूपी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए इकोनॉमिक्स पार्ट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये पार्ट तो है ही है, और उसके बाद साइंस, जिसे मेन आपका जीएस बोला जाता है, इसमें केवल और केवल पार्ट कौन सा नहीं है, इकोनॉमिक्स की चर्चा नहीं की गई है। तो वैसे भी इकोनॉमिक्स आजकल किसी भी पेपर में करंट अफेयर्स के में बदल गया है, कुछ ही प्रश्न पारंपरिक होते हैं इकोनॉमिक्स के देखा जाए तो, करंट अफेयर्स तो है ही। तो पैटर्न अगर आपका बदलेगा भी, सिलेबस नहीं बदलेगा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी, साइंस, करंट, इकोनॉमिक्स, ये सब तो पूछेगा। आपको अतिरिक्त केवल एक विषय पढ़ना होगा और कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है, और आपका जो एब्रीविएशन है ये सब है, क्योंकि यूज होता है तो उसे भी रखा जाएगा। बट अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि पैटर्न बदल जाएगा, तैयारी आपकी 95% से ज़्यादा सेम रहने वाली है। रही हिंदी की, तो हिंदी में इतना परिवर्तन हो सकता है कि यहां पे सब्जेक्टिव न करके वो क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव कर देंगे, जैसे आरओ में होता है। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर आरओ लेवल में आरओ टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव कर दिए तो ये एक मुख्य परीक्षा अवश्य करवाएंगे, आपके चरण बदल जाएंगे, क्योंकि बिना हिंदी पारंपरिक कराए ये परीक्षा के लिए अच्छा चयन प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। जो प्रोफाइल है जॉब का वो कहीं ना कहीं पारंपरिक हिंदी होनी ही चाहिए। जब वो आरओ या आरओ में करवा लेते हैं तो नो डाउट कि आपका इसमें जरूर करवाएंगे। तो ये मान के चलना कि अगर हिंदी ऑब्जेक्टिव हुआ तो पेपर जो हो जाएगा प्रीलिम्स प्लस मेंस का हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न वही रहेगा, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी। रही बात हमें तैयारी कैसी करनी है, तो टीम परीक्षा प्लस इसका बहुत बढ़िया कोर्स आप चला रही है, आप कोर्स से जुड़ सकते हो। इस कोर्स की खासियत यही है कि ये पूरा हाइब्रिड बैच चल रहा है, बहुत कम फीस में, हालांकि फीस इसकी 5,000 है, बट अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये फीस आपको जो यहाँ पे दिख रही है 1475, मतलब 1250 प्लस जीएसटी, इसकी फीस है 1250 ही जीएसटी के साथ साथ, बट ये 5,000 लग जाएगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। तो सैकड़ों बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी संख्या होती है, जहाँ पे फॉर्म का आवेदन केवल 30-35 हज़ार होना होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, साथ में उसकी रिकॉर्डेड भी, एक हाइब्रिड बैच है, मतलब आपको हिंदी का प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है, पारंपरिक तरीके से भी आपकी तैयारी कराई जा रही है, निबंध की भी तैयारी, पत्र लेखन की भी, संक्षेपण की भी तैयारी, आपके जो एब्रीविएशन पार्ट हैं, जो आपके जीएस के जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट हैं, सारे पार्ट का बहुत ही हाइब्रिड, मतलब कि आपका एक लाइव क्लासेस भी, आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी कराया जा रहा है, साथ में आपका कन्वेंशनल, मतलब कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है और आपको वहां पे टारगेट दिया जाता है डेली बेसिस पे कि बेटा ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने हैंड रिटन में लिख के और व्हाट्सएप पे पोस्ट करो, वो कॉपी आपके हमारे एक्सपर्ट चेक करते हैं और रिव्यू देते हैं कि आपसे ये गलतियां हो रही हैं, आप इसे सुधार लो। और ऐसे आपसे गलती हुई, सपोज करो कि एक बैच में 800 से 900 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप अकेले गलती कर रहे हो, उसकी जगह पे 700-800 बच्चों में 400-500 गलतियां एक पेपर में आ रही है, तो आप उन 400-500 गलतियों से रूबरू हो रहे हो, वो लाइव सेशन से आपको पूरा बताया जाता है कि इस बच्चे में ये गलती हो रही, इस बच्चे में ये गलती हो रही, तो आपके सीखने की जो प्रक्रिया वो बहुत तेज हो जाती है, इसलिए ये बैच बहुत ऑसम है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें तैयारी हो रही है। और इस बात की भी गारंटी है कि इससे अगर आप जैसा बताया जा रहा है वैसे फॉलो कर लोगे, वैसे तैयार कर लोगे, तो आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। इस बात को समझ लेना कि अगर आपको स्टेनो आती है तो आपके लिए ये सबसे आसान वैकेंसी है, थोड़ी सी मेहनत करनी और टीम के साथ कर लेते तो हो जाएगा। तो उम्मीद है सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मन लगा के अच्छे से ऊर्जा बना के पढ़ते रहिए, टीम परीक्षा प्लस आपका आपके साथ हर कदम पे है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर कोर्स से जुड़ना चाहें तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org पे जा सकते हैं, या फिर जो नीचे नंबर चल रहे हैं 9450006007, 9129697080, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे क्वेरी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।